बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है, अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। लेकिन इन सब के बाद एक पॉजिटिव बातें ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और जदयू को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें आरजेडी की एंट्री बड़ा दिलचस्प हो गई है। इस दिलचस्प एंट्री में कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह के उस बयान के बाद और ज़्यादा बातें होने लगी हैं जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को ऑफ़र दिया था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें तो उनके साथ सरकार बनाने और उनके आगे बढ़ने का, उनके साथ देने का राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। इसके बाद जदयू की तरफ से जो बयान आया वो हमने बताया आपको, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो बातें कही वो आपको हमने सुनाया था। लेकिन आज उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए एक नई बातें सामने आई है और नई बात ये है कि कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद कुमार ने इस बात को रखते हुए साफ तरीके से जगता बाबू को एक बड़ा नेता बताते हुए उनके कई ऐसी उपलब्धियों को गिनवाया है। उसके साथ ही जगता बाबू को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर भी दे दिया है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को कहा है कि आप बिल्कुल बेदाग छवि के और बेहतर राजनीतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी 420 के कन्विक्टेड व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या मानसिकता है, क्या सत्ता लोलुपता में इतना नीचे गिर गए हैं कि जिस व्यक्ति को सरकार से अलग होना पड़ा था 2017 में उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का आप सोच रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। साफ तरीके से अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि आपको अब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार सम्मान देती रही है, आपको एक अच्छे नेता के रूप में हम मानते हैं, वहीं अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो आपके इतने सारे त्याग और समर्पण के बावजूद आपको क्या मिला, ना आपको राज्यसभा भेजी, ना ही विधान परिषद में आपको जगह मिला, सिर्फ आपके ज्ञान को और आपके बेहतर छवि को लेकर के भुनाने में लगी हुई है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो व्यक्ति इतना गुणवान और विधानसभा के शताब्दी समारोह में अपने एक पन्ने का लिखा हुआ सही नहीं पढ़ सकता है, उसके हाथ में बिहार कैसे दिलवाना चाहते हैं आप, सीधे तौर पे मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी के लायक तेजस्वी यादव नहीं है, वैसे बिहार में इसकी वैकेंसी भी नहीं है। अरविंद कुमार ने कहा है कि वंशवादी परंपरा के पोषक कब से हो गए आप, इन्हें किस मजबूरी में थोपना चाहते हैं बिहार की जनता पर, जिनके परिवार में भ्रष्टाचार का एक से लेकर के अनेक केस दर्ज हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री की उम्मीदवार आप खुद बन जाइए, ये बेहतर होगा, ऐसी स्थिति में आपका समर्थन भी लोग कर सकते हैं, पार्टी के अंदर भी विद्रोह का माहौल है और पार्टी के लोग भी नहीं चाहते हैं। आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के आपके ही विधायक ने किस तरह से क्रॉस वोटिंग की, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप खुद को उस लायक समझते हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में आप अपना नाम आगे क्यों नहीं करते हैं। इस सारी बात को रखते हुए अरविंद कुमार सिंह ने जगदानंद सिंह को एक बार फिर से ऑफर दे दिया है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के जगदानंद सिंह काफ़ी एग्रेसिव हैं और जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का योजना बनाते रहते हैं, उन सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति है जिसमें राजनीतिक उठापटक के बीच में जहां एक तरफ जदयू ने जगदानंद सिंह को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताया, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी जगदानंद सिंह को मुख्यमंत्री के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार बता रही है। लेकिन ये तब संभव है जब वैकेंसी हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अभी मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।